सो गाइस, क्या आप लोग भी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं? तो अभी एक इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जो कि अगर आप लोग इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए, जो कि इंस्टाग्राम से लोगों के अकाउंट को टर्मिनेट किया जा रहा है, यानी कि सस्पेंड किया जा रहा है। अगर आपका अकाउंट भी कुछ इस तरह का है तो आप उसको जल्दी से जल्दी सुधार लीजिए, और अगर जिन लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो गया है वो कैसे अपने अकाउंट को वापस लाएंगे या फिर नहीं ला सकते हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो पर पहली बार हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर अभी लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं लोगों के अकाउंट को टर्मिनेट किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे अकाउंट है सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम के, उनको डिलीट किया जा रहा है? तो देखिए, सबसे पहले उनके अकाउंट को डिलीट किया जा रहा है जो लोग इंस्टाग्राम पर अपने आईडी के ऊपर गलत कंटेंट डालते थे, जैसे कि कोई सेक्सुअल हो गया या फिर कोई अदर पोस्ट हो गई, उस तरह के कंटेंट को डालते थे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो सबसे पहले उनके अकाउंट को टर्मिनेट किया जा रहा है। अगर आप इस तरह का कंटेंट डालते थे तो अभी सारे कंटेंट को डिलीट करिए, जो भी बच्चों के लिए नहीं होता है उस कंटेंट को आप यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर मत डालिए। दूसरा जो है, यहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट तो इंस्टाग्राम बना लेते हैं लेकिन अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं करते हैं, जैसे कि अपना ना ही ईमेल लगाते हैं, ना ही आप अपना फोन मोबाइल नंबर लगाते हैं, ना ही वहाँ पर कोई टू स्टेप लगाते हैं। इस तरह से अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो आप भी आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। ये चीज़ें कैसे करते हैं हम आपको फर्स्ट पार्ट में दिखा देंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत तरह के रीज़न हैं जिसकी वजह से आपको इंस्टाग्राम अपने अकाउंट से बाहर निकल रहा है, आप दूसरा अकाउंट बनाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जिनके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई है वो कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर आपको टाइम भी दिया जाता है 30 दिन का, ठीक है? अगर आप 30 दिन का टाइम दिया जाता है उसके अंदर आप अपने अकाउंट के अंदर को सुधार कर लेते हैं तो आपका अकाउंट वो ठीक हो जाएगा, या फिर आप वीडियो डाल के आप बता सकते हैं अपने ग्राहक को कि हाँ हम दूसरे अकाउंट को शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप उस अकाउंट पे जा सकते हैं। अगर जनरल फॉलोअर्स होंगे तो उस पे चले जाएंगे, अदरवाइज आपके नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से कई सारे लोग यहाँ पर करते क्या हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को किसी फेक वेबसाइट से बाय कर लेते हैं। देखिए, उसको बाय करने का एक तरीका होता है कि आप किसी जेन्युइन बंदे से बाय करें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर होता क्या, वो किसी सस्ती बोट वाले फॉलोअर्स आपको दिला देते हैं जिससे आपके वहाँ पर काम के भी नहीं होते हैं, और वहाँ पर बाद में आपको दिक्कत हो जाती है। 1000-2000 फॉलोअर्स में कोई दिक्कत नहीं होती है, 10,000 में भी कोई दिक्कत नहीं होती, जो लाखों में फॉलोअर्स बढ़ाते हैं इस तरह से उनको वे दिक्कत होने वाली है। तो आपको यहाँ पर इस तरह का इशू देखने के लिए मिल रहा होगा। और अंत में आपसे ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर आप अपने अकाउंट को वापस कैसे ला सकते हैं। देखिए, अगर आपको अकाउंट को इंस्टाग्राम ने सस्पेंड कर दिया है तो उसको आप वापस ला सकते हैं, अपील के द्वारा ला सकते हैं, और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है कि यहाँ पर आप ये टाइप करेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपील करेंगे, अपील करके आप अपने अकाउंट को वापस ला सकते हैं। और यहाँ पर मैंने उसके बाद आपको बताया था कि आप अपने अकाउंट के अंदर नंबर और वो चीज़ वेरीफाई कैसे करेंगे। तो देखिए, उसके लिए आप अपने लोगो पर क्लिक कीजिएगा और प्रोफाइल में जाइएगा, प्राइवेसी में जाने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाएंगे, तो वहाँ पर आप अपने नंबर को सभी चीज़ को अपडेट कर पाएंगे। और अपने अकाउंट को कैसे यहाँ पर बचाना है अपने सस्पेंड होने से, तो उसके ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।